वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम हाजिर हैं आज के दिन के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, जहां पर आज के दिन की जो सबसे बड़ी और पहली खबर निकल के आ रही है वो है रेबल स्टार प्रभास से। तो यहां पर होमबाले फिल्म्स की तरफ से आज जो है एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जहां पर ऑफिशियली होमबाले फिल्म्स ने जो है ये अनाउंस कर दिया है कि होमबाले फिल्म्स आने वाले 3 साल में जो है प्रभास के साथ बैक टू बैक 3 फिल्में बनाने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 2026, 2027 और 2028 3 साल बैक टू बैक वो प्रभास के साथ काम करने वाले हैं। और यहां पर अगर बात करें इन फिल्मों की, तो देखिए इनमें से 2 फिल्में तो जो है ऑलमोस्ट कंफर्म है। एक तो सलार 2 ही है जो आप सभी को पता है, उसको लेकर जो है यहां पर मेंशन किया गया है कि इसकी शूटिंग भी जो है जल्दी स्टार्ट करवा दी जाएगी। वहीं जो दूसरी फिल्म है वो है यहां पर हनुमान फिल्म के डायरेक्टर यानी कि प्रशांत वर्मा की, जिसको लेकर ऑलरेडी प्रशांत वर्मा ने जो है सिग्नल दे दिया था, तो उनका नाम जो है आप जल्दी प्रभास के साथ जुड़ता हुआ देखोगे। अब जो तीसरी फिल्म है उसको लेकर अगर बात करें, तो देखिए तीसरी फिल्म के लिए जिस डायरेक्टर का नाम सामने निकल के आ रहा है वो और कोई नहीं, वो है लोकेश कनगराज का। पर लोकेश कनगराज के केस में होता यह है कि उनके साथ आज की डेट में आप नाम जोड़ सकते हो, पर 3 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि लोकेश कनगराज उन डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनके पास आज की डेट में काफी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एडवांस जो है आ चुका है, चाहे बात करें मैत्री की, चाहे बात करें होमबाले की, चाहे बात करें कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की केवीएन प्रोडक्शन हाउस की। इन सभी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लोकेश को ऑलरेडी जो है एडवांस मिला हुआ है। ये सभी प्रोडक्शन हाउस जो है लोकेश के साथ काम करना चाहते हैं। अब लोकेश के साथ ये सभी प्रोडक्शन हाउस जो है एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन चाहते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टर्स के साथ ही जो है काम करना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट हर प्रोडक्शन हाउस जो है एक बड़ा एक्टर ही चाहता है। तो वो कॉम्बिनेशन सेट करना, एक्टर का लाइनअप सेट करना, डायरेक्टर का लाइनअप सेट करना, ये सभी चीजों को सेट करना जो है बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो लोकेश कनगराज का नाम तो निकल के आ रहा है, पर फिल्म अनाउंस होती है या नहीं ऑफिशियली, और होती भी है तो फ्लोर पर कब तक उतरती है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बाकी प्रशांत वर्मा के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि प्रशांत वर्मा जो है स्टैंड अलोन फिल्म बना रहे हैं या फिर उनका जो सुपर हीरो यूनिवर्स है प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स, उसके साथ जोड़ते हुए कोई फिल्म बना रहे हैं। अभी इन चीजों पर कोई क्लैरिटी मिली नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्रशांत वर्मा वाली जो फिल्म है उसकी अनाउंसमेंट भी आपको देखने को जल्दी मिल जाए। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म यानी कि पुष्पा पार्ट 2 से। तो पुष्पा पार्ट 2 को लेकर रोजी जो है काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी अजीबोगरीब अपडेट्स जो है निकल के आया करती हैं। तो रिसेंटली जो खबर निकल के आई है वो खबर मेरे हिसाब से आप में से काफी लोग तक तो पहुंच ही गई होगी, बट ये एक ऐसी अपडेट है जिस पर कंफर्मेशन अभी तक जो है मुझे 100% मिल नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने जो है जितना हो सका उतना कोशिश किया है और हर तरफ से जो है कहीं ना कहीं यस का ही सिग्नल मिला है। तो जी हां दोस्तों, तो खबर जो कि आप में से काफी लोग तक पहुंची गई होगी कि पुष्पा फिल्म के अंदर ऑलरेडी जो है म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर हमें जो है डीएसपी काम करते हुए नजर आ ही रहे थे, वही इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। पर अब खबर यह है कि यहां पर उनके अलावा भी जो है 3 और म्यूजिक डायरेक्टर्स होने वाले हैं जो फिल्म पुष्पा 2 में बीजीएम देंगे। अब इन डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो इनमें जिनका नाम निकल के आ रहा है उनमें शामिल है एस एस थमन, अजनेश लोकनाथ और सैम सीएस। हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें तो आज की डेट में अजनेश लोकनाथ जो है काफी एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सैम सीएस थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है, थमन कभी फॉर्म में आते हैं तो कभी बाहर रहते हैं। तो इन 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स का जो है नाम यहां पर नजर आ रहा है। अब देखिए मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहां पर 3 और म्यूजिक डायरेक्टर्स को रखा गया है बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, बस ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि ये 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है इस फिल्म के साथ कब से जुड़े हैं। क्या ये बहुत पहले से जुड़े हुए थे, क्या इनिशियली ये प्लानिंग की गई थी या फिर ये प्लानिंग जस्ट अभी कभी की गई है, क्योंकि काफी तेलुगु मीडिया में अब देखिए ये सभी चीजें जो है थोड़ी सी गर्म करने के लिए, इन चीजों को आकर्षित बनाने के लिए मीडिया हाउसेस कुछ भी छापते रहते हैं, तो मैं 100% उन चीजों पे विश्वास नहीं करता हूं और इस कहानी के पीछे की क्या सच्चाई है वो मेरे तक पहुंची भी नहीं है। तो यहां पर काफी मीडिया हाउसेस का ये कहना है कि यहां पर क्योंकि समय की कमी थी, जो फाइनल आउटपुट डीएसपी ने दिया था वो आउटपुट जो है मेकर्स को पसंद नहीं आया या फिर कह लो डायरेक्टर को एक्टर को पसंद नहीं आया, इसलिए जो है अब कम समय बचा था और एक ही डायरेक्टर इतना सब जो है नहीं कर सकता था और डायरेक्टर ऑलरेडी जो है कंगुआ जैसे एक बड़ी फिल्म का भी जो है म्यूजिक दे रहा है, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अगर अकेले डीएसपी करते इस काम को तो ये जो है समय लंबा लग सकता था, और लंबा समय लगने के बाद भी सेटिस्फेक्शन मिलती या नहीं मिलती उसकी भी जो है कोई गारंटी नहीं थी। इस कारण से जो है कहा जा रहा है कि 3 अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है पुष्पा 2 में देखने को मिलेगा। अब इस चीज पर ऑफिशियल कंफर्म
कंफर्मेशन मेरे हिसाब से ट्रेलर रिलीज होने के साथ मिल ही जाएगा कि हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है नहीं है। ट्रेलर रिलीज के अंदर क्रेडिट्स में हमें जो है शायद पता चल ही जाएगा। और ट्रेलर रिलीज को लेकर भी जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसी महीने के 14 या 15 तारीख के बीच में जो है इसको रिलीज करवाने की प्लानिंग है। मेकर्स ने भी आज अनाउंस किया है कि रिलीज डेट, ट्रेलर रिलीज डेट को जो है वो जल्द अनाउंस कर देंगे। प्रमोशंस की भी जो है तैयारी स्टार्ट होने जा रही है। वैसे काफी समय से नॉर्थ इंडिया में जब प्रमोशंस की बात आती है तो मेकर्स का ज्यादातर ध्यान जो है मुंबई और दिल्ली पर ही रहता है, इन्हीं जगहों पर जो है ज्यादातर प्रमोशंस वगैरह किए जाते हैं। तो मुंबई में तो अभी भी प्रमोशन हो रहा है पर दिल्ली वगैरह में जो है थोड़ा सा कम किया गया है। अभी जो है मेकर्स का थोड़ा फोकस जो है यूपी और बिहार की तरफ हमें नजर आ रहा है। आप देखोगे तो गेम चेंजर का भी जो टीजर लॉन्च रखा गया है वो लखनऊ में रखा गया है, और पुष्पा के लिए भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म का प्रमोशनल इवेंट जो है आपको पटना शहर में भी देखने को मिलेगा। तो पटना शहर में जितने भी अल्लू अर्जुन के फैंस हैं या फिर पुष्पा के फैंस हैं उन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका रहने वाला है इस फिल्म के प्रमोशंस का हिस्सा बनने का। बाकी आप सभी को ऑलरेडी पता है कि यहां पर जो है फिल्म के अंदर एक स्पेशल सॉन्ग होने वाला है जिसमें श्रीलीला जो है अल्लू अर्जुन के साथ नाचती हुई हमें नजर आने वाली है। अब उस खबर में भी जो है ट्विस्ट निकल के आया है। अब ये कितना कंफर्म है इसको कंफर्म करने के लिए भी जो है कुछ समय लगेगा, एक दो दिन लगेगा, बट अभी ऐसा कहा जा रहा है कि उस गाने के अंदर अल्लू अर्जुन और श्रीलीला के अलावा हमें एक और एक्ट्रेस जो है नजर आ सकती है। अब वो कौन रहती है यार, उस खबर में कितनी सच्चाई है, इस पर जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है यूएसए की एडवांस बुकिंग से। तो आने वाली दो अपकमिंग बड़ी फिल्में यानी कि कंगुआ और पुष्पा 2 की जो एडवांस बुकिंग है यूएसए में स्टार्ट करवा दी गई है, जहां पर अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 की अगर बात करें तो फिल्म को रिलीज में अभी भी जो है 27 दिन के आसपास का समय बाकी है, और अभी से फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है 4.5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, और कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग की जो शुरुआत है वो काफी सॉलिड नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कंगुआ फिल्म की, तो कंगुआ फिल्म के रिलीज को अब देखा जाए तो हार्डली 6 दिनों का ही समय बाकी है, पर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग यहां पर यूएसए में कुछ खास रफ्तार में नजर नहीं आ रही है। अभी तक फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है केवल 70 लाख रुपए की हुई है। जी हां दोस्तों, 1 करोड़ का भी आंकड़ा अभी तक पार नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेकर्स जल्द से जल्द जो है फिल्म के आखिरी ट्रेलर को जो है रिलीज कराए। फिल्म का पहला ट्रेलर जो था बहुत ही पहले आया था और उसने कुछ खास इंपैक्ट बनाया नहीं। गाने जो आए वो भी ठीक ठाक तरीके से कुछ खास यहां पर पॉपुलर हुए नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेकर्स रिलीज से जितना हो सके उतना पहले जो है दूसरे ट्रेलर को रिलीज करे। बाकी इस फिल्म की रिलीज में एक प्रॉब्लम आने वाली थी जो कि यहां पर सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ था, इनडायरेक्टली बताया था कि एक प्रोडक्शन हाउस है जो थोड़े से प्रॉब्लम में यहां पर नजर आ रही है, पर जो भी लोन था, जो भी यहां पर उन्होंने फंड उठाया था उसे जो है वो अब चुकाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब जो है इस फिल्म की रिलीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको थांगलन फिल्म भी जो है जल्द से जल्द ओटीटी पर रिलीज होती हुई नजर आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। वैसे इन सभी खबरों पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।